आज संसदीय अधिवेशनाचा सातवा दिवस आहे। पंतप्रधान मोदी हे संसदेला संबोधित करणार आहेत। अधिवेशनाआधी एनडीएच्या संसदीय दलाची बैठक होती आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत। लोकसभेमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर एनडीए घटक पक्ष आज रणनीती आखणार असल्याचं कळतं। दरम्यान काल संसदेमध्ये कसा वाद रंगला हे सुद्धा बघूया। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा इनसाइड बिकॉज ऑफ हिज। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी यांच्या विधानावरती आरएसएस कडून सुद्धा प्रतिक्रिया आली आहे। हिंदुत्वाला हिंसेशी जोडलं जाणं हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी हे विधान केलेलं आहे। राहुल गांधींच्या विधानावरती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ही प्रतिक्रिया आलेली आहे। संसद में कुछ जिम्मेदार महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए है उनके द्वारा हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और हिंदुत्व तो ऐसा है कि चाहे विवेकानंद का हो या गांधी का, वो तो सौहार्द और बंधुत्व का ही परिचायक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हिंदुत्व को बारे में ऐसी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है।